हरे ओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आपके जीवन में अब बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, गोल्डन टाइम आपका शुरू हो चुका है। मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं, समझते हैं ध्यान से, तो ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। और कहा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए ये लकी टाइम चालू ही हो चुका है, बस ज़रूरत है इसको समझने की और समय के अनुसार अपने कर्मों को करने की, क्योंकि कर्म बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप कर्म करते हैं तो इस समय जो गोचर की स्थितियां हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी। हाँ, आपकी जन्म कुंडली में कैसी ग्रह स्थिति है वो मुझे नहीं मालूम, परंतु गोचर में जो स्थिति है वो आपको सपोर्ट कर रही है। आइए समझते हैं कि क्या ग्रह स्थिति बन रही है, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, 31 मार्च को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। ये देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है और यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थितियाँ कुछ बन रही हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। और शुक्र ये 31 मार्च से लेके 24 अप्रैल तक यहाँ पर गोचर करेंगे। तो देखा जाए तो शुक्र के मीन राशि में प्रवेश करने से पहले ही राहु और फिर सूर्य, ये दोनों ग्रह विराजमान हैं। तो सूर्य के साथ युति करके वैभव योग का निर्माण करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है, ये मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र महाराज आपके लिए एक बहुत ही दिव्य योग, जिसे कहा जाता है पंच महापुरुष योगों में से एक है, जो कि मालव्य योग कहलाता है, ये शुक्र निर्माण कर रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए। तो ये जो कहा जाए कि योग है, अब उसे तो हमारे जीवन में बहुत सारे योग होते हैं, पर कई बार उसके बावजूद भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे आगे। तो प्रिय दर्शकों, ये मालव्य योग जो कि बहुत बड़ा दिव्य राजयोग कहलाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी योग होता है, क्योंकि ये पंच महापुरुष योगों में से एक है। और साथ में यहाँ पर राहु के साथ युति होगी प्रिय दर्शकों, जो कि एक दुर्योग का भी निर्माण होगा, जिसे लंपट योग कहते हैं। तो हम समझेंगे सावधानी भी क्या रखनी है आगे चल के। साथ में चंद्रमा के साथ भी युति होगी, जो कि 7 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक युति होगी शुक्र और चंद्रमा की। और मंगल के साथ भी युति होने वाली है, जो कि लगभग 24 से 27 घंटे की युति रहेगी, क्योंकि मंगल शुक्र साथ युति करेंगे 23 अप्रैल को मंगल आ जाएंगे मीन राशि पर और 24 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे मेष राशि पर। तो लगभग 24 से 27 घंटे की युति इनकी रहेगी। फिर बुध की बात करें तो बुध के नक्षत्र में ये गोचर करेंगे, रेवती नक्षत्र पे, और बृहस्पति के राशि पर भी गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति के नक्षत्र पर भी गोचर करेंगे, जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि के अंतर्गत आता है। और शनि के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है मीन राशि के अंतर्गत, जहाँ से ये गोचर कर रहे हैं। राहु के साथ युति ही है और केतु की दृष्टि है शुक्र के ऊपर। तो देखा जाए तो शुक्र को यदि हम छोड़ दें तो बाकी 8 ग्रह, अब सूर्य से लेकर केतु पर्यंत, तो ये 8 ग्रह सभी के साथ संबंध कहीं ना कहीं बन रहा है। अब प्रिय दर्शकों, हम फलादेश समझ लेते हैं, क्या आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, क्या सावधानी रखनी है, और फिर हम समझेंगे कि ये जो योग बन रहा है बड़ा ही दिव्य पंच महापुरुष योग में से, ये कैसा हाँ फलीभूत आपके साथ होगा कि नहीं, या और भी बहुत सारे योग वो फलीभूत होंगे कि नहीं। यहाँ पर प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में यदि दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ में आप परेशान थे, वाद विवाद उलझन कैसी भी समस्याएं थी दाम्पत्य जीवन में, मैं यहाँ तक कहूँगा यदि दाम्पत्य जीवन में तलाक की स्थिति तक आप यदि पहुँच गए थे और आप चाहते थे या चाहती थी कि तलाक ना हो और हम एक साथ मिल के रहें, तो ये समय होगा 31 मार्च से लेके 24 अप्रैल, इस समय आप प्रयास कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां सपोर्ट कर रही हैं तो गोचर आपके लिए पूरी तरह से सपोर्ट में रहेगा और आप अपने मैरिज लाइफ को बहुत अच्छी लाइफ बना सकते हैं।
उनके लिए भी प्रिय दर्शकों ये बहुत अच्छा समय होगा जो रिश्ते के लिए प्रयासरत थे, दाम्पत्य जीवन में बंधना चाहते थे, हाथ अपने पीले करना चाहते थे, उनके लिए भी ये समय होगा। अब देखा जाए तो मई में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है, परंतु उससे पहले एक ये महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है जिस समय आप अपने विवाह के लिए या आपके बच्चे हैं विवाह के लिए, बच्ची है तो आप प्रयास कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में विवाह के योग इस समय चल रहे हैं तो गोचर पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टअप है, जिनके व्यापार बिल्कुल डाउन हो चुके थे या आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और भी अच्छा आप चाहते हैं कि हो जाए, इस समय आप पूरी तरह से प्रयास करिए तो आपको सफलताएँ मिलेंगी। यहाँ पर उन लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जो लोग एक साथ व्यापार करते हैं अर्थात पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो उनके लिए भी एक ये मतलब कहना चाहिए कि आपका यदि व्यापार यहाँ था तो यहाँ पहुँच जाएगा, जीरो से हीरो बनने की स्थिति इस समय बन सकती है। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में इस समय भगवान की कृपा भी मिलेगी आपको, भगवान के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा, आपका लगाव भी होगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता के जीवन में भी खुशियां आने वाली हैं और कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। साथ में आपके यदि कभी कोई भी काम आपने पहले किया और उसमें रुकावटें आ गई जिसकी वजह से वो काम रुक गया, तो ये समय होगा क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा जिससे आप यदि प्रयास करते हैं, क्योंकि आपने कर्म तो किया पहले फिर भी सफलता नहीं मिली तो वहाँ पर कमी क्या थी कि भाग्य का साथ नहीं मिला, समय सही नहीं था। तो इस समय समय भी सही है और भाग्य का साथ भी मिलेगा तो संभावनाएं बन सकती हैं कि आपका काम हो जाए। और इसके अलावा प्रिय दर्शकों, यदि घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, आए दिन वाद विवाद की स्थिति या किसी भी तरह, और ख़ासकर उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो लोग पैतृक संपत्ति के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, या घर परिवार में पारिवारिक हो या घर के लोग हो, कैसे भी हो, यदि कलह का माहौल बन गया था उसे अब दूर कर सकते हैं और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा ये सफलता देने वाला, जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, यानी कि अब जैसे देखा जाए तो टीचर हो गए या स्पीकर या तो सलाह देने वाले सलाहकार हो गए, एडवाइज़र हो गए, तो ऐसे काम जहाँ पर वाणी का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है ऐसे कामों में भी सफलताएं मिलने वाली हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये समय है, जब मैंने ये बता दिया कि मालव्य योग बन रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होगी, विपरीत का सम्मान भी मिलेगा और धन वृद्धि भी होगी। देखा जाए तो बहुत अच्छा समय है ये, परंतु वहाँ पर कुछ सावधानियाँ भी हैं। सावधानियाँ कुछ क्यों हैं? क्योंकि राहु के साथ युति होने वाली है, जो कि राहु आपको अब सावधानी क्या रखनी है ये मैं बता देता हूँ कि आपको कोई भी निर्णय लेना है उसमें जल्दबाजी नहीं करना है, और किसी को जब आप बोल रहे हैं लोग आपके वाणी से प्रभावित तो होंगे परंतु उसमें अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर गर्व तो हो पर अहंकार ना हो, क्योंकि जब गर्व हम करते हैं तो वो तो हमें कहीं ना कहीं और भी ऊपर ले जाता है, परंतु जब हम अहंकार करते हैं तो हम नीचे चले जाते हैं। इसलिए अहंकार से दूर रहना होगा और किसी को कुछ बोलने से पहले बहुत सोच समझ के बोलना होगा, और कोई भी निर्णय ले रहे हैं उसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं रहना है। जो भी निर्णय ले, जो भी काम करें, उन्हें पूरे तरह से क्लियर करने के बाद ही करें। इसलिए और दाम्पत्य जीवन हो या आपकी लव लाइफ हो या कहीं भी हो, खासकर दाम्पत्य जीवन में, और जो लोग खासकर व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनके लिए तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली होगी कि आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि इस समय यदि आप झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाएंगे और फिर उससे जहाँ बहुत अच्छा होने वाला था वहाँ समस्याएँ खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ये जो फल मिल रहा है गृह स्थितियों के रूप में वो कहीं ना कहीं आपके कर्म ही हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि झूठ से बहुत ज़्यादा बचें। और उन लोगों के लिए प्रिय दर्शकों बहुत अच्छा समय है जो शुक्र से संबंधित काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, संगीत, ब्यूटी आदि आदि, इन क्षेत्रों में काम करने वालों को भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है।
अब प्रिय दर्शकों, यहाँ पर हमने सावधानियाँ भी समझ ली और लाभ क्या मिलेगा ये भी हमने समझ लिया। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में प्रिय दर्शकों, आप माँ लक्ष्मी की आराधना, उसमें विशेष रूप से आप कनक धारा जो होता है उसका पाठ कर सकते हैं और हवन कर सकते हैं, और माँ लक्ष्मी का जो भी मंत्र बनता हो, नहीं तो जय माँ लक्ष्मी तो बनता ही है, तो जय माँ लक्ष्मी भी बोल के 108 बार जप लीजिए। और यदि ज़्यादा समय आपके पास और भी हो तो जितना ज़्यादा जपेंगे उतना अच्छा है। यदि जप नहीं भी ज़्यादा हो पाता तो आप मन ही मन जय माँ लक्ष्मी, अपना काम आप कर रहे हैं, अपना काम करते करते जय माँ लक्ष्मी बोलते रहिए। इससे कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में और भी बेहतर रिजल्ट मिल सकेंगे। अब हमने प्रिय दर्शकों राजयोग की बात की थी, तो यहाँ पर राजयोग कई बार फिर काम क्यों नहीं करते। जैसे मैंने बताया कि कई राजयोग बन रहे हैं, वैभव योग बन रहा है और सबसे बड़ी बात है मालव्य योग बन रहा है, पर फिर भी कई लोगों को जीवन में ये जो बहुत सारे लाभ मैंने बताए नहीं प्राप्त होते। उसका कारण होता है, अब आपने ये जो सुना वो आपके गोचर का प्रभाव है, परंतु कुंडली आपको सपोर्ट नहीं कर रही, दशाएँ सपोर्ट नहीं कर रही हैं। अब जैसे मालव्य योग का निर्माण हुआ और यदि आपकी जन्म कुंडली में भी मालव्य योग हो, तब तो फिर ऐसे लोगों को ही फिर बहुत सारे ये जो लाभ हैं वो मिल जाते हैं। अब कुंडली में भी अब कई बार ये भी होता है कि मालव्य योग बना है, परंतु अंश बल से जो मालव्य योग बना रहे हैं शुक्र महाराज, वो बहुत कमज़ोर हैं या ऐसे भाव में बैठा है, बना हुआ है, परंतु जो भाव में बना हुआ है वहाँ पर जो राशि है वो राशि का अधिपति कमज़ोर है। अब जैसे मीन राशि है, मीन राशि में उच्च के हो गए और देवगुरु बृहस्पति बहुत कमज़ोर हैं, नीच के हैं, तो फिर उसका भी रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसी कई स्थितियां होती हैं जहां पर हमारे कुंडली में राजयोग होते हुए, हमारे गोचर में राजयोग होते हुए हमको परिणाम नहीं मिलता और फिर हमको लगता है कि जो बताया गया वो सही नहीं है। इसलिए जब हम फलादेश सुनते हैं तो हमें वीडियो पूरी देखना चाहिए। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई मैं तो बोर हो गया, अब 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया बस। यही बात शॉर्टकट ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है आज के समय में। आज के समय में आप देखिए, मैं एक उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा कि प्रिय दर्शकों, जो लोग लॉन्ग वीडियो बनाते हैं उनकी देखेंगे तो उतनी ज़्यादा वीडियो में व्यूज नहीं आएंगे। जो एजुकेशन के वीडियो बनाते हैं जहाँ कुछ सीखना है उसमें ज़्यादा व्यूज नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे। परंतु जहाँ पर खाली जो ये शॉर्ट का आज के समय में या इंस्टाग्राम या अन्य प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक आदि, वहाँ पर रील चलती हैं, तो रील है या शॉर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज आएंगे, मिलियन व्यूज आएंगे। क्यों? क्योंकि आज के समय में लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं और इसी की वजह से आज के समय में जो फेलियर का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि कोई भी काम में, कोई भी क्षेत्र में शॉर्टकट कभी भी आपको सफलता नहीं दे सकता है, और यदि दे भी दिया तो ज़्यादा समय के लिए नहीं दे सकता है। जितना जल्दी आप आगे बढ़ेंगे उतना जल्दी आप नीचे भी गिरेंगे। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, समय ना हो उसको सेव कर लीजिए, बाद में देख लीजिए। इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह हमारे जीवन में भी हमें शॉर्टकट नहीं, हमें मेहनत करके आगे लॉन्ग डिसीजन के साथ लॉन्ग टर्म में जो भी काम आपको करना है उसे बहुत अच्छे से करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी और वो सफलता टिकी भी रहेगी। क्योंकि सफलता पाना महत्वपूर्ण खाली नहीं होता, उस सफलता को बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे सफलता प्राप्त करने से ज़्यादा है उसे बनाए रखना। इन बातों का ध्यान रखिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।